नमस्कार, मैं मयंक और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 38 से पूर्व पार्षद कुलदीप तेवतिया को एक युवक ने दी गोली मारने की धमकी। मामले का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस में शिकायत दर्ज कर की कार्रवाई की मांग। बकरीद पर मस्जिदों में बड़े ही जोश से और भाईचारों के साथ अदा की गई नमाज। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में और नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन में हिंदू महासभा की ओर से महापंचायत का आयोजन। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप। फरीदाबाद के सेक्टर 3 प्रवासी संस्था ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें शाम तक लगभग 1000 लोगों ने रक्तदान किया। पंजाब हरियाणा में आज मूसलाधार बारिश, दोनों राज्यों में 10 से 14 जुलाई तक बरसेंगे बदरा, प्रदेश में 4 जिलों में अलर्ट। चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे हरियाणा विधानसभा बिल्डिंग, पंजाब के सेहत मंत्री जोड़ा माजरा बोले, पंचकूला या फरीदाबाद में बना ले हरियाणा सरकार। सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सिक्योरिटी कटौती कत्ल की बड़ी वजह, पता चलते ही गोल्डी ने फोन किया, फौजी काम कल ही करना है। पानीपत से 6 साल का दिनेश लापता, सुबह पार गया था खेलने, अब तक नहीं लौटा, अपहरण की आशंका। श्रीलंका में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर, राष्ट्रपति आवास पर कब्जे के बाद लोगों ने पीएम पर अपना गुस्सा निकाला और पीएम के निजी घर को फूंक डाला। अमरनाथ हादसे में लापता 40 लोग की तलाश में जुटी सेना, एक बार फिर इलाके में बारिश। उत्तराखंड से हिमाचल तक छाया कुदरत का कोहराम, देखे तस्वीरें। महाराष्ट्र के बाद गोवा में बड़ी सियासी हलचल, कांग्रेस के 7 विधायकों ने की होटल में बैठक। ट्रेन टिकट बुकिंग के बाद बनाना चाहते हैं बोर्डिंग स्टेशन, फॉलो कर रही है स्टेप। श्रीलंका में गोट बाया फरार, सेल्फी, स्विमिंग, शराब और बाथरूम में WWE, टूरिज्म स्पॉट बना राष्ट्रपति भवन। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के बार में ताबड़तोड़ फायरिंग, 14 की मौत, 3 घायल। यूपी में 2 किलो आटा के खाते दलित परिवार पर लाठी डंडे से अटैक, चक्की वाले की बेटी से भी छेड़खानी। लखनऊ STF ने किया अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार। कानपुर में बंद कैमरे में दूसरी महिला से रोमांस करता पकड़ा गया सिपाही, पत्नी ने कर डाली धुलाई। यूपी में रिटायर्ड टीचर को पत्नी ने बुजुर्ग प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला, अफेयर की लग गई थी बनक। श्रीलंका में जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर दागी गोलियां। यूपी के अयोध्या में प्यार का भूत उतारने वाले बाबा ने किया लड़की का रेप, पीड़ित ने रो रो कर सुनाई आप बीती। मुंबई में प्रॉपर्टी के चक्कर में बेटे ने चाकू से गला रेत कर माँ को मार डाला, फिर खुद लोकल ट्रेन के सामने कूदा। शाहरुख खान संग रोमांस करेगी तापसी पन्नू, बोली धुनकी में हमारी लव स्टोरी बहुत अलग। अनुपमा में आएगा शॉकिंग ट्विस्ट, अनुष्का होगा एक्सीडेंट, क्या उजड़ जाएगा अनुपमा का सुहाग। लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर ने किया आमिर खान को ट्रोल, फोटो शेयर कर बताया कुंभकर्ण, टूटे थे करोड़ों दिल। वर्ल्ड कप 2019 में MS धोनी का रन आउट याद कर इमोशनल हुए फैंस। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 15 रन देकर 3 विकेट लटकाए। भुवनेश्वर कुमार ने इस दौरान स्विंग बॉलिंग का बेहतरीन नजारा पेश किया। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड T20 में इंटरव्यू लेते समय श्रेष्ठ अय्यर ने चिढ़ाया तो युजवेंद्र चहल बोले बाद में मिलता हूँ जल्दी। दुनिया की टॉप 10 अरबपतियों की सूची से बाहर हुए मुकेश अंबानी, फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 कर सिलाई मशीन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार की योजना देश के सभी राज्यों के लिए तैयार हो गई है। बीते सप्ताह शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और BSE पर लिस्ट टॉप 10 कंपनियों में से 8 का मार्केट कैप बढ़ा है। आज की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज NCR।